हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बेटी की बर्थडे की वजह से मैं दो दिन काफ़ी बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दिया बेटी को, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, देना करते हैं, मैं करती हूँ वीडियो की शुरुआत। हेलो जी, राम राम जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ की जानकारी देने वाली हूँ जो मेरी तरह प्रताड़ित महिलाएँ हैं जिनको कोई कुछ भी नहीं समझता, वो अगर उस बिजनेस को करेंगी तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं, तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वैसे आप लोगों को मैं हर दूसरे दिन इस चीज़ की जानकारी देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई, हर घर की महिलाएं इस बिजनेस को करें और बहुत बहुत आगे बढ़ जाएं। देखिए, मैं तो नहीं करने वाली, आप लोग कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि भाई आप भी कर लो, आप ही कर लो, आप ही रोती रहती हो, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं करना चाहती। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगी कजमेरा जी के बारे में। वैसे उनके जो बिजनेस का नाम है वो ऐसे शुरू होता है, उन्होंने इतनी मेहनत करी और देखिए यहाँ से वहाँ पहुँच चुके हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर उस बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताते हैं ताकि आम महिलाएँ उसमें फंस जाएँ। तो देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दो पैसे कमाना चाहती हैं, तो वो फंस जाएं और जल्दी से जल्दी उस बिजनेस के जरिए पैसा कमाने के लिए 10 से 15 20 जो भी है उनके पास थोड़ी बहुत भी रकम या फिर उधार ले ला के वो बिजनेस में लगा दें। और बिजनेस ना चले तो आप कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे तक वीडियो पहुँचाते हैं और हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं, तो ये हमारा काम है, आप समझ जाइए, ये हमारा काम है और हमें देखिए काम करना पड़ता है। ये वो भी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए, फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। देखिए, हमें तो हैंड टू हैंड मिल जाता है, 7 से 8 हज़ार, 8 से 10 हज़ार हमें एक वीडियो के मिल जाते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और आप जितने भी सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप बिजनेस कर लीजिए, आप रोती रहती हैं, तो मैं इसलिए बिजनेस नहीं करना चाहती, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगी, अगर नहीं चला तो देखिए रो पीट के बैठ जाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों के आगे वो चीज़ मैं बोल भी नहीं सकती कि भाई मेरा बिजनेस चला नहीं, डूब गया और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी या फिर लोगों ने ख़रीदा नहीं, क्योंकि कहने से लोग इतनी जल्दी से ख़रीदते नहीं हैं, बाज़ार से ही लेने जाते हैं। तो जब मुझे घर बैठे एक वीडियो का सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देनी होती है और उसके ही घर बैठे आराम से मिल जाते हैं मुझे 2-3 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के, तो भाई मैं इस बिज़नेस को करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों इसमें मैं पैसा लगाऊं, क्यों इसमें मैं टाइम लगाऊं। तो मैं इस बिज़नेस को इसलिए नहीं करना चाहती। मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है कि भाई मैं क्यों बिजनेस नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ दोबारा इस कमेंट को मत करिएगा कि आप ही कर लो, आप ही कर लो, ये मेरा काम है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल मुझे हैंड टू हैंड मिल जाता है, आप अपना काम कीजिए, बिजनेस करिए, प्लीज़ एक आध मछली जाल में फंस जाइए। ये अजमेर में उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और इतना फैला लिया। वैसे मुझे पता है जो ये मैंने बताया है, क्योंकि मुझे देखिए जानकारी नहीं है, मुझे पैसा मिल गया बस, मेरा काम ख़त्म। और जितनी भी जानकारी है वो आगे आप लोगों को दे देंगे, क्या क्वालिटी है, कितने से शुरू करना है क्या नहीं है, क्या क्या मटेरियल है, सब आपको वो बता देंगे। मुझे जितना पता है वो मैंने आपको बता दिया, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है जो मुझे मिल जाते हैं, जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ उस बिज़नेस के बारे में बताऊँ और एक आध मुर्गी या एक आध मछली जो भी फंसना चाहे वो फंस जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। वैसे तो आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस बिज़नेस को करना ही होता तो इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूबरों के पास ऑफ़र आते हैं और वो आप लोगों को ही बताती हैं, खुद क्यों नहीं कर लेती हैं। तो आप समझ जाइए और एक आध ज़रूर फंस जाइए, ये हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं और इस मुद्दे पर मैं और बात नहीं करना चाहती। और मुझे पता है वो मेरी इस बात को सुन के अपने माथे में हाथ मारेंगे कि कहाँ पे बिजनेस है और कहाँ बता रही है, लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ तो चल ही रहा है, और जहाँ मैंने बताया प्लीज़ आप अपना बिजनेस वहाँ पे भी दौड़ा लीजिए। और यहाँ तो देखिए मैं कोशिश कर ही रही हूँ आपके बिजनेस के बारे में लोगों तक पहुँचाने की, हर दूसरे दिन वीडियो डाल देती हूँ उठा के, चाहे वो बोर हो, चाहे वो मरे, चाहे वो अपना माथा पीटे, चाहे अपना नेट खर्च करे, चाहे अपना टाइम खर्च करे, मैं लोगों तक फिर भी वो बात पहुँचा रही हूँ और कोई ना कोई ज़रूर फंसेगी और माथे में हाथ मारेगी, तो देखिए हमारा क्या जाता है कि कुछ भी हो बाद में। उस बहनों में एक तरह से आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, हर कोई घर घर में कमाए, अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के पैरों की जूती बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए बहनों, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि घर घर इस बिजनेस की शुरुआत हो,
हर जो लेडी है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने बिजनेस करके वो खुद से कमाए, किसी के पैरों की जूती बिल्कुल भी ना बने, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं बनती हूँ। तो बहनों बस इतना ही चाहती हूँ, और अब मैं इस मुद्दे पे और कोई बात नहीं करना चाहती। मिलूंगी कल मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। तो चलिए बहनों, जरूर सोचना इस बिजनेस के बारे में। मुझे तो मिल चुके हैं अपने पैसे, और सर जी जरूर सोचना, जहाँ मैंने बताया वहाँ पे बिजनेस जरूर शुरू करना। तो चलिए बहनों, चलिए भाइयों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।